हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशली ब्लॉगर रात्रि एक मॉम। कैसे हो आप सब? आई हो बच्चे होंगे। और आज है कुछ स्पेशल, तो आज है 21 अगस्त। और इस बार 21 अगस्त को आया है त्रि का व्रत, तो कहीं कहीं पे इसको त्रि के व्रत से जाना जाता है, तो कहीं पे इसको हरियाली के व्रत से जाना जाता है, और कहीं पे इसको जाना जाता है तीज के व्रत से। हरियाली, तीज और त्रि, ये तीनों एक ही चीज हैं, पर अलग अलग जगह अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पे इसको त्रि के व्रत से जाना जाता है। तो मैं तो त्रि का व्रत नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले सबको मेरी तरफ से त्रि के व्रत की, हरियाली के व्रत की और तीज के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तो त्रि का व्रत नहीं रखती हूँ। मेरे मम्मी त्रि का व्रत करते हैं, मेरी सभी चाचियाँ त्रि का व्रत करते हैं। तो आज मेरे मम्मी और चाची त्रि के व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, और छोटा सा फंक्शन रखा है हमने त्रि के व्रत के उद्यापन का। तो पंडित जी आ चुके हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो चल के देखते हैं कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, किस तरह से पूजा करवाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो आप पूरी देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए देखते हैं कि पंडित जी कैसे त्रि के व्रत की पूजा करवाते हैं और क्या सेलिब्रेशन रहता है। तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरे साथ। पंडित जी कर रहे हैं पूजा की तैयारी यहाँ पे। तो पूजा की तैयारी में पंडित जी ने एक चौकी तो बहुत ही सुंदर सजा ली है, और अब सजा रहे हैं दूसरी चौकी। और ये देखिए यहाँ पे हरे हरे जौ, और हरे हरे जौ के बीच में हैं चिड़ियाँ। इस व्रत को चिड़ियों का व्रत भी कहा जाता है, इसीलिए सबसे पहले तो जौ उगाए जाते हैं और फिर मिट्टी की चिड़ियाँ भी बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमने जौ भी उगाए हैं और मिट्टी की चिड़ियाँ भी बनाई हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये देखिए। और ये देखिए पंडित जी ने चौकी जो है बहुत ही सुंदर सजाई हुई है, आप खुद देख लीजिए। और पंडित जी कर रहे हैं अब भी पूजा की तैयारी। और ये देखिए छोटा सा मंदिर, इस मंदिर में शिव परिवार विराजमान है। शिव जी भगवान जी, पार्वती माँ और गणेश भगवान सारे इसमें विराजमान हैं। और ये देखिए पंडित जी ने चौकी के ऊपर दो कलश सजा दिए हैं, क्योंकि दो अलग अलग लोग जो है इस व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, मतलब मेरे चाची और मम्मी व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, तो इसलिए पंडित जी ने दो कलश सजाए हुए हैं। और साथ में चौकी के इस तरफ को भी जो कलश बाकी बचते हैं वो सजाए हुए हैं, और चौकी के दूसरी तरफ भी कलश सजाए हुए हैं। प्रधान जो कलश हैं दो, वो चौकी के ऊपर सजा के रखे हुए हैं। तो तैयारी जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है, और थोड़ी देर में अब पंडित जी करवाएंगे पूजा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि पंडित जी कैसे पूजा करवाते हैं। ये देखिए पंडित जी करवा रहे हैं पूजा। तो पूजा के लिए एक तरफ बैठे हैं मेरे मम्मी और दूसरी तरफ बैठे हैं मेरे चाचू चाची, क्योंकि दोनों जो है चाची और मम्मी व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, इसीलिए दोनों बैठे हैं साथ में पूजा के लिए। अमर वर्षु पूज्यम रक्तवर्णम सुरेशम पशुपति सुतमेशम विघ्नराजम नमामि शिवतनय वरिष्ठ सर्व कल्याण मूर्ति परशु कमल हस्तम शोभितम मूर्तिषु गरुड कुसुम माला व्याललम गोदरम
मम हृदय निवासम श्री गणेशम नमामि या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा रजयुत शंकर प्रभृति सदा वंदिता भगवती गौरादिव्यय नमो नमः करो हाय करो और यहाँ पे व्रत उद्यापन की पूजा करने के बाद और पंडित जी के द्वारा कथा सुनाने के बाद आरती करते हुए भवं भवानी शैतं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्ववाधा विनिर्मुक्तो धन धान्या सुतान्विता पुष्यो मदकर साधीन भविष्यति ऋणा संशय जुगदियतु Thank you.
ये अगले दिन का वीडियो है। अगले दिन फिर से सुबह में पंडित जी पूजा अर्चना करवाते हुए इस व्रत के उद्यापन का दूसरे दिन भी पूजा होती है, तो बस वही पंडित जी करवा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। बोटी जी खाना बना रहे हैं, धाम बना रहे हैं, मंडियाली धाम, और सब्जी चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि सब्जी पकी या नहीं पकी अभी। तो बस हमारे गांव में ऐसे ही खाना बनाया जाता है किसी भी फंक्शन में। त्री के व्रत के उद्यापन में हवन भी होता है, तो बस पंडित जी यहाँ पे हवन करवा रहे हैं। हरि ओम श्री सूर्य देवता प्रियतां सुतां वरदा भवन्तु। ओम हरि ओम चंद्रदेवताय स्वाहा, चंद्रप्रदेवताय स्वाहा, ईश्वराय स्वाहा। ओम श्री चंद्र ग्रह देवता परमेश्वर ओमेन प्रियंतां सुप्रतां वरदा भवन्तु नमः। ओम अग्निर्धारिवृथिव्यामताय स्वाहा, भूमिनंदनाय स्वाहा, भौमदेवताय स्वाहा, भौमदेवताय स्वाहा, ईश्वराय स्वाहा। और जो है कोई भी आगे के जन्म में कोई और यहाँ पे मंडियाली धाम बनके तैयार है। बूटी जी बलटोई से चावल निकाल रहे हैं, तो हमने मंडियाली धाम में बनाया है सेपू बड़ी, मटर पनीर, कद्दू का खट्टा और गुलाब जामुन का मीठा, माँ की दाल कड़ी। तो बस अब सभी लोग थोड़ी देर में मंडियाली धाम को एंजॉय करेंगे, तो आप भी एंजॉय कर लीजिए हमारे साथ मंडियाली धाम।
गिरसी क्या क्या है तुमको? सेपू बढ़िया ही है। और क्या है? सेपू बढ़िया दाल कड़ी। लक्ष्य क्या खा रहा है? क्या दिया लक्ष्य को बोटी ने?